हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डे 11 है। डे 11 में आज मैं आपको दो टॉपिक कवर कराऊंगा, एक सिंपलीफिकेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए। सिंपलीफिकेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 इंटू 35 कितना, 29 इंटू 35 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 900 एंड डिवाइड बाय कितना रहेगा, 100 रहेगा क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू दिया है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो जीरो कट हो गए, 99 से 81, 8 कैरी हो जाएगा, 9 4 36 प्लस कितना 8 441, तो इसका क्या मिला 441। सेम एज इट इज, आपको 35 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, 30 और 5 में, इजी रहेगा आपके लिए। 29 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 8 870। 29 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 9 जा 45, 5 2 से 10 प्लस 1 14, तो 145 मिला। तो मुझे कितना मिला टोटल, 1015। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, कितना मिला, तो 1456। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से मिला, वो मिला हमें 1456। क्या था क्वेश्चन के अंदर, 49% ऑफ 900 दिया था, परसेंटेज की वैल्यू दिया, इसलिए 100 से डिवाइड किया, ठीक है नहीं, तो दो जीरो कट हो गया, 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 441 मिला। ठीक है, फिर 29 को 35 से मल्टीप्लाई करना था, 35 को दो पार्ट में डिवाइड किया, 30 और 5 में, तो 29 को 30 870, 29 को 5 145, दोनों का एडिशन किया, 1015 मिला। फिर 1015 में जो है 441 जो है ऐड किया, मुझे कितना मिला, 1456। 1456 सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, 30 इंटू 29 प्लस 40 इंटू कितना है, 9600। दो जीरो कट हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू दिया है, ये तो काफ़ी इजी रहेगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 8 870 मिला। ठीक है, 29 3 जा 87, 0 एज इट इज नीचे आ गया, प्लस 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 प्लस 4 सॉरी प्लस 2 38, तो 384 और जीरो आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, 11 16 प्लस 17 4710। तो सेकंड क्वेश्चन कहाँ से मिला, वो मिला मुझे 4710। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस बेसिक आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ, 6 × 216। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए 216 किसका क्यूब है, प्लस 9 × 9 81 प्लस 49 × 9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 49 × 9 क्योंकि दो जीरो में ऑटोमेटिकली ओरली कट कर रहा हूँ, 100 से डिवाइड था इसलिए। ठीक है, 9 9 81, 8 कैरी, 9 4 36 प्लस 441 कन्फर्म 81। 216 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 1296। 1296 किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है, 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 3 1 3 7 7 प्लस 441 8 11 4 1 4 1 8। इसी तरह हमारा जो थर्ड क्वेश्चन कहाँ से मिला, वो मिला मुझे 1 4 1 8। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया मैंने कैसे कराया। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 6 × 6 यानी 36 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 × 9 8 9 7 मतलब 729, 729 है को 10 से मल्टीप्लाई करने, 0 आ जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही बोला है, बस एडिशन ही करते जाना है हमें, 7 2 3 9, ये ऐसा मिल जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 प्लस 3 11, इसको एडिशन कर लीजिए, 7 प्लस 0 7 एज इट इज, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 7 का एज इट इज 7 रह जाएगा, तो 7 5 0 7। देखिए ओरल कैलकुलेशन में किया, 0 प्लस 7 7 एज इट इज, 9 प्लस 1 10 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 7 का एज इट इज 7 रह जाएगा, तो 7 5 0 7। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे ना, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, 26 × 15 प्लस 360 माइनस 16 का स्क्वायर यानी 256 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही बोला है, ठीक है, मल्टीप्लाई में तकलीफ हो, 15 को दो पार्ट में डिवाइड करिए, 10 और 5 में इजी रहेगा आपका, 26 × 10 260 आ जाएगा, 26 × 5 5 से 30, 5 से 10 प्लस 130,
अब ऐसा भी कर सकते 20 से 10 से मल्टीप्लाई कर 260 आया, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना यानी 260 हाफ यानी 130, वैसा भी कर सकते हैं आप, 390 टोटल आ जाएगा है ना, प्लस 360 तो कितना मिला 750, 300 प्लस 300 600, 90 प्लस 60 150, 600 प्लस 150 750, 750 को किससे माइनस करना है, 256 से माइनस करना है, यहाँ मिलेगा 494, तो मुझे आखिरी क्वेश्चन का आंसर मिला वो मिला मुझे 494। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट हो ना मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको और एक बार अच्छे तरह से समझा दूंगा, ठीक है। इसी तरह हमारा 5 क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट, चलते क्वाड इक्वेशन की तरफ। तो चलते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x² प्लस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही बोल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7y² प्लस 24y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 7 9 63, दो नंबर बताइए, तो 21 और 3 मिलेगा मुझे यहाँ पर, सेम ऐसे 5 6 30, यहाँ मुझे 15 और 2 मिलेगा, दोनों को पास से डिवाइड करना है, तो 5 4 20, यहाँ 5 3 15, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 7 4 28, तो 0.44 मिलेगा। माइनस माइनस में है, माइनस 3 को माइनस 3 से कंपेयर करूँ तो इक्वल है, माइनस 3 को 0.4 से कंपेयर करूँ तो माइनस 4 बड़ा है, माइनस 3 को मैं माइनस 3 से कंपेयर करूँ तो इक्वल है, माइनस 3 को 0.4 से कंपेयर करूँ तो माइनस सॉरी 0.4 बड़ा है, तो यहाँ ग्रेटर और स्मॉल के साइन आ रहे हैं ना, इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आ रहा है CND का फुल फॉर्म कैन नॉट बी डिटरमाइन, द रिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आया वो आया CND, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दूसरा स्क्वायर क्या है, 2y² माइनस 13y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस के साइन है, दोनों अमाउंट आएगी प्लस प्लस में, या भी दोनों अमाउंट आएगी प्लस प्लस में, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 मिलता है, 10 और 6 मिलेगा, 10 6 जा 60, ठीक है, दोनों को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 2 8 4 5 20, 4 1 7 4 5 20, दोनों प्लस 2.5 प्लस 1.5, ठीक है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, 96 मिलता है, 994, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 4.5 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, प्लस 2.5 से अगर मैं प्लस 4.5 कंपेयर करूँ तो दो देखिए प्लस 4.5 दोनों से बड़ा है पर प्लस 2 जो है इन दोनों से छोटा है, तो इसका आंसर क्या मिला हमें, CND। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला वो मिला मुझे CND। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ, x² माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए माइनस प्लस के साइन है, दोनों अमाउंट आएगी प्लस प्लस में, कन्फर्म, यहाँ भी दोनों अमाउंट आएगी वो आएगी प्लस प्लस में, तो बताइए 8 2 16, यहाँ पर बताइए 4 4 16, 8 को मैं अगर 4 4 से कंपेयर करूँ तो 8 बड़ा है और प्लस 2 छोटा है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ रहा है CND, क्योंकि 8 को अगर मैं प्लस 4 से कंपेयर करूँ तो 8 बड़ा है, 8 को मैं प्लस 4 से कंपेयर करूँ तो 8 बड़ा है पर प्लस 2 को मैं प्लस 4 से कंपेयर करूँ तो प्लस 4 बड़ा है, ग्रेटर और स्मॉलर का साइन आ रही है ना, तो वहाँ पर आंसर हमेशा आता है CND, ठीक है। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन क्या है, y² माइनस 14x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, यही दिया है ना, माइनस प्लस की साइन है, दोनों अमाउंट आएगी प्लस प्लस में, यहाँ भी दोनों अमाउंट आएगी प्लस प्लस में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 8 10 4 मिलेगा मुझे, 8 4 32, 8 प्लस 4 12, माइनस प्लस है प्लस प्लस आया, माइनस प्लस है प्लस प्लस आया, 10 and 4 मिलेगा यहाँ पर, 10 4 40, 10 plus 4 14, ठीक है। 8 को मैं 10 से कंपेयर करूँ तो 10 बड़ा है, 8 को मैं 4 से कंपेयर करूँ तो 8 बड़ा है,
तो हमें जो फोर्थ क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन का आंसर जो मिला वो भी मिला हमें सी एंड डी। इसी तरह मेरा सिंपलीफिकेशन टॉपिक कंप्लीट होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इन दोनों टॉपिक में से अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।